पटना सिटी दीदारगंज थाना क्षेत्र के सोनावा गांव में बीती रात जमीनी विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दिया। मृतक युवक की पहचान 32 वर्षीय प्रधुवन कुमार के रूप में हुई है। प्रधुवन शादी समारोह में भोज खाने गया था, उसी दौरान 4-5 की संख्या में आए अपराधियों ने प्रधुवन को गोली मारकर हत्या कर दिया। मृतक युवक के परिजन राधेश्याम और गौतम कुमार ने कहा कि 2-3 बीघा जमीन विवाद प्रधुवन के रिश्तेदार से चल रहा था। कुछ दिन पूर्व ही जमीनी विवाद हुआ था और आज इसकी मौका मिलते ही हत्या कर दी गई। उन्होंने बताया कि पड़ोस में शादी था, जहां मरवा समारोह का भोज खाने प्रधुवन जा रहे थे। रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे अपराधी उसका राह देखने लगे। जैसे ही मौका मिला कि अपराधियों ने उसे गोली मार दिया, जहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी गई है। घटना यही हुआ था सर कि गया था खाना खाने, हमने से खाना खा के आ रहा था, चार पाँच लोग मिल के। कहाँ खाना खाए? गांव में गया था, गांव पट्टी पश्चिम पट्टी। क्या था? भोज था, ऐसी के शादी का मरवा है, मरवा का वही भोज था, वहीं में गिने गया था खाने। हम सर रह गए पीछे, वो आ गया आगे, उसको देखेंगे पकड़ के। आवाज़ सुना तो देखेंगे, अरे कौन सी आवाज़ सुना? गोली के सुने तो हम कहेंगे अरे वही गोली का ना फूटा, देखते हैं कि हमारे आदमी के मार दिया, वो भागा जा रहा है। उसको रह गया दो चार गो, फिर हम टांगे में रह गए हैं। क्या नाम था इनका? उसको नाम था प्रधुवन कुमार। हमारा जो हमारा उम्र कितना है? उम्र वही 20। हमारा जिसको नाम था राजीव गोप, मुन्नी गोप, उपिंदर गोप, टुनटुन गोप, मुकेश गोप। क्यों मारा? जमीनी विवाद था, इसलिए अपना लड़ाई में बदला ले लिया अकेला देख के। हर दिन पहले का ताजब दिखाने का समय दिया गया था, उसका बीच में घटना कर दिया 2 दिन पहले इन बादल में, उसका बैग देने का बाद। क्या हुआ था? जमीनी विवाद का बारे में उसको काजब दिखाने के लिए बोला गया था, तो वो बोला कि 8 दिन का मेरा टाइम दो, तो उसका 8 दिन का टाइम दिया गया था। उसका बाद में 3 दिन का बाद ये लड़का आया था ससुराल से, गांव में भोज था तो खाने के लिए खाना खाने दिया, वहाँ से खा कर भी आया। और इसको पीछे पीछे आदमी लगकर 4-5 गो मिलकर इसको घर का पीछे में पूल तर धर कर गोली मार दिया, मारपीट कर कर हत्या कर दिया गया है इसको। कितना जमीन का कितना जमीन का ही है समस्या? ये सब है जमीन, 2-3 बीघा का जमीन है लमसम का। कौन गांव हुआ? सुनामा। सुनामा दीदारगंज का स्थित है। उसका एक साथी है जो बकावा में रखते हैं, उन गलतों को ही साथ देते हैं, और वो सब घटना नहीं करते हैं, किसी को समझाते नहीं है, और जहाँ तक भी गलत का ही संभव करते हैं। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।